स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तीन टाइप की मैट्रिक्स आएंगी, एक तो आएगा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, एक आएगा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, एक आएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स, और एक और होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक ज्यादा यूज का नहीं फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनडीए। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स है उसको हमने स्क्वायर किया और वही मैट्रिक्स आ गया तो हम बोलेंगे दैट मैट्रिक्स इज अ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 1001, ये इस मैट्रिक्स को हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया 1001 से तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सेम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो दैट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सिमिलरली इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी क्या हुआ, अगर हमने ए का स्क्वायर किया, मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और हमारा जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर एन, एन जो ऑर्डर है वो ए का ऑर्डर है, तो हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दिखा रखा है एक एग्जांपल ए 4 15 -1 4, इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करो, आप देखो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे आई एन पर्पस ही लगाया गया है ये दिखाने के लिए, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो आपको आइडेंपोटेंट और इन्वोल्यूटरी में। तो यहाँ पे आई एन आ रहा है तो यहाँ पे भी ये आई एन आ रहा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंड आई एन यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। तो आइडेंपोटेंट में ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड इन्वोल्यूटरी में ए स्क्वायर इक्वल टू आई एन। अच्छा पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या हुआ, ऐसी मैट्रिक्स जो कि अपने आप को रिपीट करे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो अगर ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू ए आ गया तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ पीरियड के, ठीक है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर हमने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते गए उससे और जो हमारे पास अगर रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ गया तो दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। और फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट पावर एक ही जिसपे कि हमारा रिजल्ट नल मैट्रिक्स आया उसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ए की पावर एन इज इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स यहाँ पे। तो अगर मैंने बोल दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो या ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ए क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है एक तो हम बोलेंगे दैट इज द इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, और अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाता है तो हम बोलेंगे दैट इज द आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि स्ट्रिक्टली अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं यूटी में हम पहले पढ़ चुके हैं, दे आर निलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं या पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर आगे चलेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स हो। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि ए और बी जो मैट्रिक्स हैं इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो वो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब नंबर ऑफ कॉलम्स ए में जो होंगे वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हमारे पास जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी एम इंटू पी, एन बीच में से हट जाएगा। तो एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे इसके। मैंने कहा जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर है 2/3 और जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है 3/2, तो डेफिनेटली ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ रोज इन ए इंटू नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पहले एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, ए इंटू बी थी इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ, पहले मैंने बी सी को मल्टीप्लाई किया और उससे मैंने ए को मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज सेम। ए को मैंने बी सी से मल्टीप्लाई किया, ये ए पहले लिखा हुआ है, इसका आप ऑर्डर चेंज ना करें, ए बी सी रहने दें, ठीक है ना। इसको इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे होल्ड करेगा।
A into identity element, identity matrix is equal to identity matrix into A is equal to A. तो exist करती है multiplicative identity. अच्छा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है. तो इसके भी एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए याद रखना है. हाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है वो हम देख चुके हैं. फिर ए बी अगर नल मैट्रिक्स है, ए इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि ए जीरो है या बी जीरो है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है. नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ठीक है. तो रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट ये नहीं आएगा, नॉट लिखा हुआ. सिमिलरली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हम कर रहे हैं मैट्रिक्स में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है, ए दिया हुआ है आपको, ये इसी के लिए बता रहा हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर केस. एक मैट्रिक्स रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ए की पार्ट एन जो होगा हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा. पर्टिकुलर केस है ये, याद रख लेना आप, इज टू लर्न लर्न बाय हार्ट. ओके अब दो तीन चीजें और डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हुआ अगर हमने जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी काम आएगा इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इनको. तो अगर एक मैट्रिक्स रखा है ए जिसमें दो रोज है और तीन कॉलम है 1 2 3 2 0 5, तो रो को तो हमने कॉलम बना दिया, तो पहले रो से पहला कॉलम आ गया 1 2 3 और दूसरी रो से दूसरा कॉलम आ गया 2 0 5. तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया. ट्रांसपोज कहाँ पे आएगा, हम इन्वर्स निकालेंगे, बट यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमने क्या किया, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. तो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा, एक ही पार्ट इसे लिखते हैं या ये डैश से लिखते हैं, तो उसका जो ऑर्डर आ जाएगा हो जाएगा एन इंटू एम, ठीक है. फिर कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं वो याद रखनी है. अगर दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, उनको ट्रांसपोज किया तो वो आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज. सेकंड प्रॉपर्टी है ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा से हमारे पास इनिशियल वाली जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी. अगर हमने किसी स्केलर क्वांटिटी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका ट्रांसपोज लिया, तो इट इज सेम एज के ए डैश, के ए का ट्रांसपोज, सिंपली मल्टीप्लाई करना. अच्छा जैसे हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज किया, सिमिलरली हम a माइनस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज आ जाएगा. अगर हमने माइनस a का ट्रांसपोज किया तो माइनस a का ट्रांसपोज लिखा हुआ, दैट मीन्स इट इज लाइक दिस, है ना. और अगर हमने a b का ट्रांसपोज किया तो वो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के बराबर आएगा. तो ये प्रॉपर्टीज तो हमें ध्यान रखनी है. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है. अब आगे चलते हैं. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस सेवन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है. और ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 3 -1 1 2. तो हमसे बोला है कि फंक्शन ऑफ ए एफ ए फाइंड करो. तो सिंपल सी बात है कि हमने एक्स की जगह ए पुट कर दिया, अपनी जो मैट्रिक्स है वो पुट कर दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस 5 ए आ गया. अभी प्लस 7 है, 7 तो न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, तो 7 को हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया. आई इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिस ऑर्डर का ए है, ठीक है. तो यहां पे आई जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 by 2 ऑफ ऑर्डर 2. तो ए स्क्वायर किया, ए का मतलब 3 1 -1 2 3 -1 1 2 ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए प्लस 7 इंटू आई, आईडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1. अब मल्टीप्लाई आपको करना आता है 3 × 3 + 1 × -1, तो 9 - 1 = 8 आ गया. 3 × 1 + 1 × 2, तो 3 + 2 = 5 आ गया. -1 × 3 + 2 × -1 - 5 आ गया. -1 × 1
प्लस टू इंटू टू वो थ्री आ गया, ये तो ए स्क्वायर हो गया। फिर माइनस फाइव है तो हमने क्या किया, फाइव को माइनस फाइव को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, वो बाहर प्लस आ गया। तो माइनस फिफ्टीन माइनस फाइव प्लस फाइव एंड माइनस टेन, तो ये आ गया प्लस सेवन टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7007। तो हमने अगर इन सबको ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 0000, दिस इज द आंसर। तो आपको चार ऑप्शंस दे रखे होंगे और चार ऑप्शंस में हमारा एक ऑप्शन ये भी होगा, दैट इज करेक्ट। ठीक है, आपसे बोला है कि एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4 5 6, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा। तो हमने बस क्या किया, रो से कॉलम में चेंज कर दिया। तो पहला पहला हमारे पास कॉलम क्या आ गया 2 3 1, दूसरा क्या आ गया 4 5 6 4 5 6 आ गया। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे कि उस मैट्रिक जो मैट्रिक्स है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है। अगर ऐसा कुछ केस आ गया तो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे, एक मैट्रिक्स है बी 6 -7 4 -7 3 0 4 0 √5, ये नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं ना, इसके अंदर एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। अब मैं इसका ट्रांसपोज किया तो 6 -7 4 -7 3 0 और 4 0 5 4 0 5, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसपोज है बी का वो बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो जो बी मैट्रिक्स हो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज अपनी मैट्रिक्स के बराबर होगा, और अगर जो ट्रांसपोज है वो अपनी मैट्रिक्स के माइनस टाइम्स के बराबर है तो हम उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए एंड ए इज सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास ए दे रखा है एक मैट्रिक्स 0 H Z -H 0 F -G -F 0। अब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करके ये फ्लिप हो गए, तो ये 0 0 0 तो यहाँ पे आ गया, ये फ्लिप हो गए H -H G -G F -F। तो इस केस में हम देख रहे हैं अगर मैं इसका माइनस टाइम्स कर दूं तो ये A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, या ये जो है ये माइनस A के बराबर है, तो A डैश इज इक्वल टू माइनस A, देयरफॉर A मैट्रिक्स क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक में A डैश इज इक्वल टू माइनस A और सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू ए डैश। अच्छा, अब एग्जांपल एक और देख लेते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, इसमें बता रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू, हमने इज इक्वल टू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है दैट इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट आएगा इन्वर्ट। ठीक है, चलिए, तो इन्वर्टिबल होने के लिए जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं आएगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 1 2 -2 -6, तो पूछा है हमसे कि ये इन्वर्टिबल है क्या। तो इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हम पहले उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू आएगी, तो 1 × -6 -6 -2 × 2 + 4, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल दे रखा है ए इज इक्वल टू 6 -2 -3 1, हमने चेक किया कि इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो तो जीरो आ रहा है, 6 × 1 6 - -3 × -2, तो ये तो 6 हो गया ना, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा, पहली चीज। ठीक है, फिर हम उसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स निकालने के तरीके हैं हमारे पास। एक और चीज जो अभी के लिए मालूम होनी चाहिए, डिटरमिनेंट हम और डिस्कस करेंगे अभी, पर अभी के लिए वो चीज मालूम होनी चाहिए, बिकॉज अभी इनके एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं आगे। हमें एक
मैट्रिक्स दे रखा है 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2, तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो दो तीन चीज़ें हमें और मालूम होती हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट ही निकालना, अभी हमें लेटर से इनवर्स ही निकालना है तो हमें कुछ टर्म्स मालूम होने चाहिए माइनर्स। तो पहले तो मैंने इस जो मैट्रिक्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स का माइनर निकालो, तो माइनर का मतलब है कि जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, लेटर से हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो माइनर होगा इसको हटा के जहां पे भी ये क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स जिस भी रो में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है, ठीक है, उनको हटा के और जो एलिमेंट बचे उनका जो डिटरमिनेंट आया वैल्यू, दैट विल बी कॉल्ड द माइनर। तो अगर मैं वन की बात करूँ, इसका माइनर क्या आएगा, ये वाला डिटरमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 × 2 - 2 - 5 × 2, दैट इज -10, तो -2 - 10 - 12। अगर मैं बात करूँ इसकी -3 की, तो इसका -3, तो -3 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, ये जहाँ से पास हो रहा है इसको आप छोड़ दें, जो बची वैल्यूज हैं 4, 2, 2, 3, तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसे मैं वैल्यू निकालूँ तो 4 × 2 = 2 - 2 × 3 = 6, तो 2 आ गया, ठीक है। तो जहाँ पे भी वो क्रॉस हो रहा हो उस एलिमेंट को निकाल के, जो भी और हमारे पास वैल्यू बची उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज कॉल्ड द माइनर। तो यहाँ पे माइनस आपने निकाल रखे हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि माइनस सही निकलेंगे। अब ये तो हुए माइनर्स, आपको मालूम होना चाहिए व्हाट आर माइनर्स। तो एग्जांपल में क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसके माइनर निकालो, तो माइनर तो ऐसे निकालेंगे। फिर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर का मतलब ये हुआ कि हमने माइनर को उसकी पोजीशन अगर है आई जे, तो हमने माइनर को -1 × -1 power i+j से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कोफैक्टर आ जाएगा। अब जैसे इसकी पोजीशन बताऊं तो ये तो है 1 1, ये है 1 2, ये है 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। तो मैं 1 1 की बात करता हूँ, -1 × 1+1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -1 × 1+1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 ही आ गया। अगर आप 2 की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या है, होता है ना एलिमेंट जो भी दे रखा है आपको a 1 2, तो 1 2 का मतलब 1+2, -1 × 1+2, दैट मीन्स -1 की पावर एक ऑड पावर आ गई, तो रिजल्ट -1 रहेगा, और -1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है a 1 3, तो 1 3 का मतलब -1 × 1+3, तो -1 × 4, ठीक है, तो वो तो 1 ही आ गया, तो 1 को 23 मल्टीप्लाई किया 23 आ गया। तो ये कोफैक्टर्स हो गए। तो माइनर्स में और कोफैक्टर्स में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। माइनर्स क्या हुआ, उस एलिमेंट को जहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है उसको छोड़ के, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ के जो भी और कुछ बचा हुआ है उसका डिटरमिनेंट जो होगा दैट विल बी द माइनर। और अगर डिटरमिनेंट को मैंने जो ये एलिमेंट है अगर ये आई जे पोजिशन पे आ रहा है तो -1 × i+j से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गए कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अभी देख लेते हैं। तो हमें मालूम है कि जो ए इनवर्स होता है वो क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना था 1/determinant × adjoint(a). अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं, अदरवाइज का मैं शॉर्ट मेथड भी आपको बताऊंगा। तो एडजॉइंट क्या हुआ पहले हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, एग्जांपल ले लेते हैं 2 5 1 3, इसका अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले तो हम इसके लिखेंगे कोफैक्टर्स। तो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा सिर्फ 3, तो 3 लिख दिया। 5 को रिप्लेस कर दें कोफैक्टर से, तो 5 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि यहां पे 1 आएगा, और 1 के साथ में क्या करूंगा, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, तो -1 × 1+2 -1 × 3 -1, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो -1 आ गया। सिमिलरली इसका कोफैक्टर क्या है, दैट इज इक्वल टू -5, और इसका कोफैक्टर क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आए कोफैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज क्या हो, 3 और -1 आ गया, और -5 और 2 आ गया, तो ये तो हो गया एडजॉइंट। अच्छा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो डिटरमिनेंट आ गया 2 × 3 = 6, 6 - 5 × 1
5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो डिटरमिनेंट भी आ गया 1. तो इसका जो इन्वर्स आएगा वो आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो ये तो आ गया 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 2. ठीक है, तो एक चीज तो आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है 2 बाय 2 का, अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये था ना 2513, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना हो तो यहां से मुझे सिंपली दिखाई दे रहा है कि हम जो ये एलिमेंट्स हैं इनको तो हमने क्या कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया और इनका साइन चेंज कर दिया. ठीक है, पर तरीका यही है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए. और एडजॉइंट क्या होता है, पहले हमने इसके एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया बाय कोफैक्टर से और फिर हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया. ठीक है, अच्छा. सिमिलरली अब एक और यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स निकालना है आपको. तो पहले हम चेक कर लें कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है. तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, डिटरमिनेंट इसका जीरो नहीं आएगा. ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बता दूंगा, पर आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे. तो इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो हम फिर इसको रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, और कोशिश करेंगे इन्वर्स निकालने की. पहले एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल के फिर डिटरमिनेंट भी आ गया हमारे पास, फिर फॉर्मूला लगा देंगे. उस फॉर्मूले से बचने के लिए वी आर हैविंग अ शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, ये नेट पे हर जगह अवेलेबल है, पर एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं. तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए तो चाहिए चाहिए, डिटरमिनेंट तो हमने निकाल लिया पर एडजॉइंट भी चाहिए. तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया कि जो भी आपको एलिमेंट दे रखे हैं 3 माइनस 10 1 माइनस 2 8 2 2 माइनस 4 माइनस 2, इसको आपने ऐसे ही लिख लिया. ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसके आगे जो भी हमारे पास फर्स्ट टू कॉलम्स आ रहे हैं वो हमने एज इज उतार लिए. तो 3 माइनस 2 2 तो 3 माइनस 2 2 माइनस 10 8 माइनस 4 माइनस 10 8 माइनस 4. ठीक, इतना काम होने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है. इसके बाद जो हमारे पास दो रोज बची, दो फर्स्ट दो रोज बनी, उनको हमने दोबारा से ऐसे ही उतार लिया. तो फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट्स आ गए, 3 माइनस 10 माइनस 1 3 माइनस 10, तो 3 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 10 ये उतार लिया हमने यहाँ पे. सेकेंड रो आ गई माइनस 2 8 2 माइनस 2 8 तो माइनस 2 8 2 माइनस 2 8, इतना काम कर लिया. ठीक है, अब इतना काम करने के बाद रिजल्ट हमारे पास इसी हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल देंगे. पहले जो हमारे पास ये एलिमेंट्स होंगे इनका हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे. तो 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16. ठीक है, माइनस माइनस 4 इंटू 2 तो प्लस 8, तो माइनस 16 प्लस 8 माइनस 8, तो वैल्यू हमारे पास यहां पे आ जाएगी. अब सेकंड ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया 4 माइनस 20 दैट इज माइनस 16. इसे इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे रो में. तो हम कॉलम को इवेल्युएट कर रहे हैं और लिखते आ रहे हैं रो में. तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये आ गया, सेकंड एलिमेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. अब फिर थर्ड एलिमेंट लेंगे तो ये आ गया माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 प्लस 8 तो माइनस 12 आ गया. इसे यहाँ नहीं लिखेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो हम जा तो रहे हैं इवेल्युएट तो कर रहे हैं कॉलम वाइज और लिख रहे हैं इसको और रो वाइज. अब ऐसे ही इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे और लिखेंगे इधर इधर इधर. सिमिलरली इसको इवेल्युएट किया, इसको इवेल्युएट किया, इसको इवेल्युएट किया, इसको का मतलब इसके डिटरमिनेंट को इवेल्युएट किया और लिखा इधर इधर इधर. और आप देखोगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट. तो ये एडजॉइंट निकालने का एक आसान तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया. तो एडजॉइंट निकालने के बाद हम इसे अगर 1 अपॉन डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा. तो डिटरमिनेंट कितना है माइनस 16, तो 1 अपॉन माइनस 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास इसका इनवर्स आ गया. ठीक है, तो ये अभी तो ईजी लग रहा है, पर जब आप करोगे एक टाइम करोगे उसके बाद इट विल बी वेरी इजी. तो ये तरीका इनवर्स निकालने का बहुत ईजी है, या पहले एडजॉइंट निकालने का तरीका ये बहुत ईजी है.
इसमें हमें ना तो पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, जैसे पहले किया फिर ट्रांसपोज करना है, तो उस एलिमेंट से बचने के लिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभी हमने जो लिया है इट इज़ अ स्पेशल केस, दैट इज 3x3 मैट्रिक्स का ले लिया है। ओके, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लें 2-3 क्वेश्चन से एंड डेफिनेटली ये आ जाएगा, इट इज़ वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 3 - 2x, 2x + 1 = 4 इज सिंगुलर, देन एक्स की वैल्यू पूछा है आपसे। तो सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट जीरो, टॉपिक का डिटर्मिनेंट निकालें। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 - 8x - x + 1 = 2, दैट इज -2x + 2। तो ये कितना आ गया, -8x - 10x - 8x - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, दिस इज आंसर। अब आपसे बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू ए सी बी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए हम क्या करेंगे, बताया था भी आपको कि आप इनके तो पोजीशन चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। तो ए और डी को चेंज किया तो डी और ए आ गया, और सी और बी को चेंज किया, इसके साइन चेंज करने माइनस बी और माइनस सी, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, इतना इजी हो गया। अब आपसे पूछा है कि इफ ए, एक आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है 2x, 0x, x, और ए इनवर्स दे रखा है 1 - 1, 0 एंड 2, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो ये निकालने के लिए तो आप क्या कर सकते हो कि आपको मालूम है ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और एलिमेंट्स को आप इक्वल पुट करते जाओ, तो 2x - 1 2x, और यहाँ से 0 आ गया, तो 2x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x की वैल्यू 1/2 का यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा। तो ये हमने पहले भी दिखाया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको बता रखा है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए का जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हमने डिटरमिनेंट ले लिया दोनों तरफ का, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई हो गया, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट, तो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये आंसर आ गया, दिस इज आंसर। फिर आपको दे रखा है कि इफ ए बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए बी जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, इन्वर्टिबल का मतलब उनका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, तो ए बी का इन्वर्स इसी तरह क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो हमें ए इन्वर्स निकालना है, ये क्वेश्चन है, ए इन्वर्स क्या होगा। तो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिटर्मिनेंट तो नॉन जीरो होगा। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रखा है हमने नीचे, जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो इसको दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास ये क्या बन गया, 2y इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर। अगर हम ए को और ए स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गए तो 2y इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास ये आ गया ना, ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y या 2y इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ गया,
तो 2 इंटू ए इनवर्स हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, ए ए माइनस ए स्क्वायर था ना, तो ए को लिखा हुआ है ए और ए स्क्वायर को लिखा हुआ है ए इंटू ए, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए इनवर्स से, जिससे कि ए इनवर्स जो ए हुआ तो आईएनटी बन गया, आईएनटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे भी ए इनवर्स ए इक्वल टू आईएनटी मैट्रिक्स बन गया, तो 2 ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस आई ए, ठीक है। तो आई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2 ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस आई ए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस ए अपॉन टू, ठीक है। तो आई माइनस आई इज इक्वल टू आई माइनस ए, पता है ना कैसे हो गया, आई ए को हम ए भी लिख सकते हैं, तो ये नहीं कि पहले आई आपने आई बार कॉमन ले फिर वन माइनस ए लिख दिया, नो, उसका कोई मतलब नहीं है। वन तो एक हमारे पास क्या हो गया, वन तो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई, तो आई लिखा हुआ है आई, और ये माइनस आई ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई ए इज इक्वल टू ए, या ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू वन लेमडा टू वन टू फाइव टू वन वन इज नॉट इन्वर्टिबल, देन लेमडा की वैल्यू क्या होगी, तो ये आप सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है कि अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है, अगर ये इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो वैल्यू क्या आएगी, वो जीरो आएगी, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, उसको जीरो पुट करो, वहां से हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी।